दोस्तों वर्ल्ड कप जीतेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का 15 सदस्य स्क्वाड जारी, बाबर आजम ने बदल डाली आधी पाकिस्तान टीम। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान टीम को 2020 वर्ल्ड कप जीतता हुआ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों 2020 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्य स्क्वाड का ऐलान आखिरकार कर दिया गया। दोस्तों पाकिस्तान के 15 सदस्य स्क्वाड में आधा से ज़्यादा ऐसा युवा प्लेयर को शामिल किया गया है जो 2020 क्रिकेट में विरोधी टीम के छक्के छुड़ा देंगे। दोस्तों पाकिस्तान टीम की कप्तानी एक बार फिर बाबर आजम करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इनके अलावा पाकिस्तान टीम का उप कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाया गया है। तो पाकिस्तान की 15 सदस्य टीम में 4 बैट्समैन, 2 विकेटकीपर, 2 ऑलराउंडर, 2 स्पिन गेंदबाज और 5 तेज गेंदबाज को शामिल किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान इस वक्त इंग्लैंड टीम के साथ 4 मैचों की 2020 सीरीज खेल रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान टीम सीधे वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। दोस्तों पाकिस्तान की 15 सदस्य स्क्वाड पर नजर डाले तो टीम में 2 विकेटकीपर के रूप में मोहम्मद रिजवान और आजम खान को शामिल किया गया है। दोस्तों मोहम्मद रिजवान टीम के उप कप्तान भी होंगे, साथ ही रिजवान इस वक्त काफ़ी खतरनाक लय में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि 2020 वर्ल्ड कप में मोहम्मद रिजवान के बल्ले से बड़ी पारियां देखने को मिल सकती है। वहीं इनके अलावा पाकिस्तान टीम में 4 स्पिन गेंदबाजों को शामिल किया गया है, जिनमें इमाद वसीम, शादाब खान के साथ साथ उसामा मीर और अबरार अहमद को पाकिस्तान के 15 सदस्य स्क्वाड में शामिल किया गया है। वहीं टीम में 4 बैटर्स के रूप में बाबर आजम, पकड़ जमान, सैम अयूब और इफ्तिकार अहमद जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को पाकिस्तान टीम के 15 सदस्य स्क्वाड में शामिल किया गया है। वहीं बात करें गेंदबाजों की तो पाकिस्तान टीम में 5 तेज बॉलर को शामिल किया गया है, जिनमें शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, अब्बास अफरीदी और हारिस राव को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की 15 सदस्य टीम का स्क्वाड जो 2020 वर्ल्ड कप में धमाल मचाते नजर आएंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान की इस 15 सदस्य स्क्वाड में से आप प्लेइंग 11 में किस 11 प्लेयर को मौका देना चाहेंगे, आप अपनी बेशकीमती राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।